रमेश जी, इस पर मुस्कुराना पड़ा, बहुत महंगा धरनों पे जाना पड़ा, मईशत को ऊपर उठा ना सके, कीमतों को ऊपर उठाना पड़ा, महंगाई के हमले हैं जारी, फिर भी आ रहे वहां से चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक। आप बताएं क्या हाल है, मुबारक दे दो। अच्छा जी, सर बर्थडे थी और घर वालों ने जहाज लेके दिया गिफ्ट। सर जहाज के पीछे भी लिखा लिया की सवारी लबे ना लबे साड़ी स्पीड फिर भी 190। दर्जे ने जहाज लेके दिया और उसके पीछे लिखवाया ये सब मेरे ससुराल वालों की दुआ है। सर घर वाले ने जहाज लेके दिता तो पीछे लगा लिया यहाँ आलू वाले पराठे भी दस्तयाब है। घर वाले जहाज लेके दिता तो पीछे लिख लिया तू नंग जा साड़ी खैर। घर वाले ने जहाज लेके दिया तो पीछे रेड कलर का लिखवाया हारन दो रास्ता लो। घर वाले ने जहाज लेके दिता तो पीछे लगा लिया 7 दिन में महबूब आपके कदमों में। बीजेपी बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रुकन है, पंजाब असेंबली के साथ साथ पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर और स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, जनाब नदीम कुरैशी। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल और अब शुरू करिए एक्टिंग मोहतरमा हफ्जा राय। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह आज हमारे बड़े प्यारे दोस्त नन्ना साहब तशरीफ लाए हैं। क्या बात। और शेर भी बड़ा ही मैं प्यारा लाया हूं जी हिफ्सा जी के लिए। बहुत दिलकश बहुत हंसमुख हिफ्सा जी हमारे पास आई हैं। हमारा इनका टाकरा हो तो हमेशा कह कहो के फूल खिलते हैं। अभी आगाज है कुछ देर में देखें ये कैसे गुल खिलाती हैं। यहाँ गुल से मुराद मेरा फूल ही है। अपने आप च वड्डे लोक अपने आप च वड्डे लोक मैं जमा के छड़े लोक ते धरती उत्ते रब बने ने आसमाना तो कड़े लोक। मैं सब कुछ समझता हूँ समझाना नहीं है, वो मुझे डांट सकता है बेगाना नहीं है। एक बंदा मुझे ICU में कहता क्या सर खान साहब से पूछना इधर इजाजत है या यहाँ भी घबराना नहीं है। नदीम कुरैशी साहब आवाम की तरह ये भी आपसे ही मुखातिब है मुझे लग रहा है और ये तमाम इन्होंने जो शेर पढ़े इसके ऊपर आपका चेहरा बता रहा था कि आप कुछ कहना चाहते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब एक तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इनका, हमारे हीरोज़ हैं, लेकिन इनको शेर उनके लिए भी पढ़ने चाहिए जिनके लिए हमारे शुजाबाद मुल्तान के एक शायर है शाकिर शुजाबादी जी, बिल्कुल जी। उन्होंने एक शेर कहा था वो इनके सब दोस्तों के लिए जिनकी वजह से शायरी करते हैं। अच्छा। ऐसा शौक दे पिंजरे भंग छोड़े ऐसा शौक दे पिंजरे भंग छोड़े हुन फसली बटेरे नहीं रखने ऐसा जंगल झुगियां पा घिनसू तेरे शहर च डेरे नहीं रखने ऐसा शाकिर रकबा सुंज रखसू बेईमान मुजेरे नहीं रखने। ये जो ऐसा थोड़ी सी मुश्किलात हैं ये ठीक हो जाएंगी। खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा घबराना नहीं है, जो लीडर होगा वो कौम को उम्मीद का पैगाम देगा, वो आपकी तरह मायूस नहीं करेगा लोगों को। अच्छा अरे वाह तो अनु नवाशी समझ रहे ने। तो मेरे ख्याल से अब आपको हर बंदा नवाशी लग रहा है। नहीं जैसे ऐसी बात नहीं है, आपकी तो लुक माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। मैं जरा प्रोग्राम में आपकी एक्टिविटी तेज करने के लिए बने फिक्र कसम है, लेकिन आप ने इसको पर्सनल ले लिया ऐसा इशू नहीं पर्सनल ले लिया, असल में हमारे साथ हो इतनी चुकी हुई है अब हमें महसूस ही नहीं होता। नहीं आपने बॉल बहुत तेज मारी सर। नहीं नहीं वो आजकल वो आपको पता है तेज ही मार रहे हैं। मैडम आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको उनका शेर समझ आया? थोड़ा सा समझ आया। क्या समझ आया आपको? सरेकी सीना नहीं सही ये किसके लिए था शेर? वैसे
वैसे नवाज शरीफ के लिए ही था मेरे ख्याल से। नवाज शरीफ साहब के लिए था ये शेर। ये साढ़े वास्ते थी। सराइकी में था शायद इस वजह से। सराइकी में था इस वजह से। आप सर थोड़ा सा आसान तर्जमा भी तो बता दें उनको। आपके प्रोग्राम में अगर हमने अपना स्कूल खोल लिया तो आप क्या करेंगे जी? मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि आप हेल्प करें। तुसी सानू 3 साल जी नहीं समझा सके, हुण की समझाना कुड़ी ने। अच्छा तुहानू हुण भी समझ नहीं आई, फिर तुहाडी समझ दा अल्लाह हाफिज़ है। वैसे आप वोट कास्ट करती हैं? नहीं, अभी मेरा फर्स्ट वोट होगा। अच्छा तो सोचा आपने किसको? नवाज शरीफ साहब को। ओए होए होए, जे हुण भी तुहानू समझ नहीं आई। इनको ये सराइकी वाला शेर समझाना पड़ेगा। कुछ रोशनी डालना चाहेंगे ये जो नई ब्रीड ऑफ वोटर्स रेडी है जिनको समझ आ गई है, इनका क्या करना है? ऐसा होता रहता है, फैन फॉलोइंग होती है हर शख्स की। अब ये ना समझे पहला वोट कास्ट करने जा रही है ना, जिन लोगों ने 20-20 8-8 वोट कास्ट किए हैं उन्होंने वोट कास्ट नहीं करना। इसी तरह के नए लोग, नए बच्चे जो है ना वो टैप हो जाते हैं। मुखातिब हो इमरान खान साहब ने अब तक क्या किया आवाम के? हाँ जी, ये देखे, क्योंकि ये पहले टाइम के वोटर थे जिन्होंने 2018 में गेम चेंज कर दी थी। ये फर्स्ट टाइमर्स ने 2023 में भी कुछ कर दिया तो अल्लाह ताला बड़े करमनवाजी करेगा। अभी 2023 के अलावा उन्होंने किया ही क्या? महंगाई पूरी दुनिया में है, और आपके लिए क्या महंगाई है? क्यों खवातीन के लिए तो कोई महंगाई नहीं है, क्यों नहीं? आप बताएं आपके लिए क्या महंगाई है? बीबी जी बताइए। हर चीज महंगी हो गई है, हमारे ब्रांड्स के जितने भी जो चीज है, खाना पीना घूमना फिरना ट्रैवल सब कुछ महंगा हो गया। हाँ जी, आप बिजनेसमैन भी तो है ना? बिजनेसमैन? मुझे तारुफ में आपके किसी दोस्त ने बताया कि ये फैशन डिजाइनर है, मेरे जहन में ये था इनके लिए वाकई महंगाई है। आप और बताइए इनको प्लीज। तो प्लीज आप जवाब दीजिए मेरी बात। ओए होए, जवाब दीजिए। सवाल मुझसे किया, सिसकी आपकी क्यों निकली है? अब तो मैं मजे ले रहा हूँ। सर जवाब दे। देखिए मैं समझता हूँ, महंगाई पूरी दुनिया में है। आप पूरे यूरोप को देखें, मिडिल ईस्ट को देखें, आप यंग है माशाल्लाह, आपके पास गूगल है, आप सर्च करें। सैलरीज भी हैं फिर देखें, वहाँ अगर सैलरीज है तो वहाँ भी महंगाई है। इमरान खान साहब की हुकूमत ने कभी ऐसा नहीं सुनने को आया कि फलां चीज सस्ती हो गई है, हमेशा महंगाई की ही न्यूज सुनने को। अच्छा आपने अपनी एज में कभी कोविड जैसी प्रॉब्लम भी देखी थी? या हम सब ने, ये बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने शायद देखी है। कोविड को महंगाई से आप नहीं रिलेट कर सकते। कोविड ने ही सारा सारी दुनिया का माहौल चेंज किया है। ये तमाम प्रोडक्शन बंद रही है, तमाम फैक्ट्रीज बंद रही है, तमाम ट्रांसपोर्टेशन बंद रही है, लेकिन आने वाले दिनों नदीम भाई चलती रही है। बड़ा कॉटन ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है इस कोविड के टाइम में। हमारी कॉटन इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश की है तो आप भी जानते हैं। देखिए मैं इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं। अच्छा उसी वही वैगन तो चंची रक्षा तो बात ना। मैंने बात आपसे की है, सारी शिपमेंट्स बंद थी। अच्छा जितनी इंपोर्ट थी एक्सपोर्ट थी सब बंद थी पिछले 1.5 साल। आप मुझसे ज्यादा बाखबर है। अच्छा तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप किसी अच्छे पहलवान के खड़े आए हुए हैं। नहीं मैं अच्छे पहलवान के खड़े नहीं, अच्छे पहलवान के सामने आया हूं। अच्छा तो कन्विंस हुई आप इस बात से? कोई सहूलत बताए ना, सहूलत बताइए। इमरान खान साहब ने कोई सहूलत निकाले अपने कार्ड्स बाहर? देखिए मैं आपको, नवाज शरीफ साहब ने तो काफी सहूलतें दी हैं। हां सहूलतें दी है ना, फिर वो सहूलत एंजॉय कर रहे हैं अंदर बैठ के। लेकिन आवाम तो कर रही है ना। क्या सहूलत दी नवाज शरीफ साहब ने? बताएं क्या डिफरेंस नजर आता है आपको? उन्होंने काफी महंगाई को भी कंट्रोल किया। हाँ। बिजली को भी, बिजली सस्ती हुई, सड़कें बनाई, मोटरवे। आप ट्रैवल करते हैं, आप क्यों नहीं आते जीटी रोड से? आप क्यों मोटरवे पे ट्रैवल? हाँ। नहीं नवाज शरीफ साहब ने अपनी जेब से बनाई है तो किया तो सही ना, कुछ ना कुछ किया तो सही। इमरान खान साहब ने क्या किया? क्या किया? नाज़िमा बुखारी बैठे नहीं नहीं बता रहे, देखे बात कर रही है, उनका बड़ा जरूरी है जानना। 30,000 प्रोजेक्ट्स, 30,000 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन के, हेल्थ के, हमें तो नहीं आते नजर। अब आपको कैसे नजर आए? आप अपनी आंखें ठीक करवाएं। बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। 30,000 प्रोजेक्ट्स सर, पंजाब में ऑलमोस्ट 30,000 प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है, छोटे बड़े। आप इस पे प्रोग्राम कर लेना जी, वो एजुकेशन में है, एग्रीकल्चर में है, हेल्थ में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में। सुने ना चोई साहब, ये वो वाले नहीं है वो जो सिर्फ कागजों में। सर सुने, कागजों वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल संजीदगी से आपसे अर्ज कर रहा हूँ। आप अटक से ले और लैया तक चले जाएं, रहीम यार खान से ले पिंडी तक आ जाएं, आपको हर जिले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू किया उस्मान बुज़दार साहब ने, हर जिले को इक्वली फंड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, फार्म टू मार्केट रोड्स बन रही हैं, स्कूल्स की अपग्रेडेशन हो रही है, आर्ट तो रहे हैं बट नजर नहीं आ रहे ना, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं। नजर क्यों नहीं आ रहे? उससे बात तो है। आपको एक अर्ज करूं,
जो लोग इस ये चूंकि लाहौर में रहने वाले लोग हैं ना जी, इनको नहीं मालूम के छोटे शहरों के लोगों के मसाइल क्या थे। ठीक है, आज भी 2021 में भी जो मसाइल हमारे छोटे शहरों के थे, बड़े शहर उससे बेखबर थे। अब पूरे पंजाब में बैक वक्त काम हो रहे हैं, इनको ये अंदाजा ही नहीं है कि इस कोविड में जो गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम के तहत कुछ भी बिलियन रुपीज के प्रोजेक्ट दिए, बिलियन बिलियन रुपीज की जो हेल्प की लोगों की, कुछ नहीं मिला। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, हमें लोगों को सब अच्छी बात भी बतानी है। आज आप और मैं दोनों अगर वैक्सीनेशन करवा के बैठे हुए, यकीन आपने भी वैक्सीन करवाई होगी, आम आदमी को शायद ना पता हो इस वैक्सीन की कितनी कॉस्ट है। एक डोज अगर आप प्राइवेट जगह से आप भी वैक्सीनेशन करवाएंगे, एक डोज इसकी 10,000 ऑलमोस्ट कीमत बनती है, 10,000 रुपया। अगर एक गवर्नमेंट अपने हर फर्द को 20,000 रुपए की वैक्सीन करवा रही है और इसके साथ साथ आपको हेल्थ कार्ड के जरिए आपके हर फर्द को 7,20,000 रुपए का हेल्थ कवर दे रही है, आपके काश्तकार को जो बिल्कुल मरा हुआ था, जिसको मार दिया गया था माजी की हुकूमतों में, ये सब समझते हैं सिर्फ मोटरवे ही तरक्की है, कौमें सड़कों से नहीं बनती, कौमें बनती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को इंप्रूव करने से। अगर किसान कार्ड दिया गया पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में किसान कार्ड दिए जा रहे हैं, वो किस लिए, ताकि किसान अपलिफ्ट हो, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ऊपर जाए। आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया, आपने भी करवाई है, मैंने भी करवाई है, ये हमारे बाद तीसरे नंबर में मियां साहब कहां से करवा गए थे? ये वो सिस्टम है जो मियां साहब हमें देकर गए हैं। ये तो आपने क्या किया उस सिस्टम के बारे में? 70 साल की चीजें एकदम ठीक हो सकती नहीं, मगर ये मियां साहब वाली वैक्सीन जो लगी थी इसका क्या करना है? केजी से लेकर यूनिवर्सिटी तक अगर आपको हैबिट हो गए जी आपने चाय पीनी है, तो एकदम एक साल में हम कह सकेंगे जी आप चाय छोड़ के लस्सी पीना शुरू कर दें। मैं तो वैसे जानना चाह रहा हूँ वो जो एक कंट्रोवर्सी बीच में से हुई थी उसका क्या बना? ये बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो हमारे सिस्टम के लिए एक क्वेश्चन है। आप भी जो सब उसी सिस्टम का हिस्सा है, मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ, हम सब इस सिस्टम के विक्टिम। मगर नदीम वैसे कुछ हुआ उस केस का, वो जो फेक वैक्सीनेशन वाला, वो सब लोग अरेस्ट हुए। अच्छा, और ये एक प्रैक्टिस चली हमारे यहाँ। इसी बात पर तो हम सब मुतरद हैं, मुतफक्र हैं, परेशान है कि यहाँ पिछले 30 साल में जो डिस्प्ले ऑफ पावर है, डिस्प्ले ऑफ मनी है, उसने लोगों को मजबूर कर दिया कि लोग किसी भी सोर्स से पैसा कमाना चाहते हैं। अब जिन लोगों को वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर में ड्यूटीज मिली, उनको अगर किसी ने कहा जी आप हमसे पैसे ले लें और हमें वैक्सीन ना करवाएं, हम सिर्फ वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट में भेज जाएँ, उन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया। इस पर पंजाब में बाकायदा टीमें बनी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनको चेक किया गया और हमने इस प्रैक्टिस को रोका है, चूँकि ये वैक्सीनेशन होना हमारे लिए एज ए नेशन बड़ा ज़रूरी है। अब अगर 100 केसेस कोरोना के आ रहे हैं खुदा ना खास्ता, तो उसमें से 90% केसेस वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई। तो मैं समझता हूँ आज आपके प्रोग्राम के जरिए ये मैसेज भी लोगों तक जाना चाहिए कि इस वैक्सीनेशन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसका कोई ऐसा खौफ नहीं है। आपने वैक्सीनेशन कराई है? जी करवाई है। करवा ली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? नहीं, कोई प्रॉब्लम। सही था सिस्टम? अल्हम्दुलिल्लाह सही। तो वहाँ पे खुश थी आप या वो भी नहीं हुई? नहीं, वहाँ पर मैं खुश थी। वहाँ पे खुश थी कि सही नवाज शरीफ सर करवा लेते हैं तो उससे ज्यादा बेटर निजाम होता। ओए होए, अच्छा नवाज शरीफ साहब तो क्या वैक्सीन का टीका खुद उड़ के घर आ जाता और बेहतर क्या करते हैं, मतलब इससे ज्यादा क्या होता? आप इसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, इनसे क्या होना चाहिए बताएं, मोटी मोटी चीजें बता दें इनको। हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। चले आप बताएं क्या चाय पिएंगी या क्या? नहीं चाय है मेरे पास। चाय है तो फिर चले बताएं क्या और कुछ, मतलब और मैं कितनी देर बाद डिस्कस करूं, यही जो है इसमें करना है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही है बताएं उनसे खुल के। इन्फॉर्मेशन और कल्चर के भी हैं, आपको तो डायरेक्ट सवाल पूछने चाहिए, आप तो खुद एक्टर हैं कि क्या किया आपने कल्चर के लिए, आप ये पूछें। जी बताएं क्या किया आपने कल्चर के लिए। मुझे तो लगता है मैं अपने घर आ गया हूं। हंसी को भूल गया, वादाए नौकरी को भूल गया, जो नचाती थी मुझको जलसों में, सियासी वाबस्तगी को भूल गया, है खुशी बिजली का बिल कम आना, हाय मैं इस खुशी को भूल गया, हाय हाय आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। नदीम साहब आप स्पोक्स पर्सन तो है ना अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब? जी बिल्कुल, क्योंकि बीच में सुना था कि एक बहुत बड़ा एक रैला आया था जिसमें बहुत से स्पोक्स पर्सन और वो बहुत से लोग तब्दील हो गए थे, ऐसा हुआ था ना बीच में? जिन्होंने तब्दील किया था फिर वो बाद में खुद भी तब्दील हो गए। मेरे ख्याल से चौहान साहब ने उसको चेंज किया था, फिर चौहान साहब भी, एक और रैला आया उसके अंदर चौहान साहब भी चले गए, फिर एक और रैला आया और फिरदौस आशिक कमान साहब भी चली गई। लोगों के लिए रास्ते बंद करते हैं उनके साथ ऐसे ही होता है फिर। अच्छा चौहान साहब सुन लें ये तो, ये वैसे काफी ऊपर से एक अजीब किस्म की सफाई हुई है पंजाब के अंदर हमने देखा, ये खासतौर पे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में। देखिए पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ऐसा होता रहता है। मैंने जो साहब लोगों को जो रास्ते देते हैं, जो लोगों को स्पेस देते हैं, जो लोगों को आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करते हैं, उनको बड़े आगे बढ़ते देखा है, वरना अक्सर लोगों का हाल फिर नवाज शरीफ जैसा ही होता है। अच्छा उधर क्यों हाथ करन ले ले ये बड़ी सपोर्टर ले जो तानू का अच्छा नहीं क्या कह रही है? मैं ये कह रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले आपने फरमाया एहसास प्रोग्राम के हवाले से, मैंने खुद वो फॉर्म फिल किया, मुझे तो कोई उसका कुछ नहीं मिला। आप उसके क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरती, आप तो टैक्स पेयर है। अगर आपने भी एहसास प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया तो इस एहसास प्रोग्राम का अल्लाह हाफिज़ है बस। मगर वो कह रही कि आप एहसास प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई नहीं करती,
तो इसलिए आपने अगर अप्लाई किया, मेरी फैमिली में काफी लोगों ने किया, किसी को उनके तो नहीं मिला। काफी हल्का है बाप मतलब में लोगों ने किया, हमने किया तो नहीं मिला। आपने जिस तरह से अप्लाई किया होगा उसके प्रोसेस में कोई फर्क मतलब होगा? गलती हमसे ही हुई है। सुने, ये पहला प्रोग्राम है जिसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। जिस शख्स ने भी ऑनलाइन अप्लाई किया है उसको रिस्पॉन्ड आया, बिलियन रुपीज, 80 बिलियन रुपीज लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कोविड के दौरान। पीटीआई वालों को मिले होंगे। नहीं सर, आपके पास ही ऐसा कोई जदीद सिस्टम होगा जिसमें से लिखा हुआ आ जाएगा कि ये पीटीआई है, ये नून लीग है, उसमें तो फॉर्म के ऊपर तो इस तरह की नॉमिनेशन कोई नहीं। आप उनको डायरेक्ट क्यों नहीं फॉर्म दोबारा भर के देती, वो शायद करवा दें। नहीं नहीं, इनको चाहिए फॉर्म कैसर पिया को दे। मेरे अपने नहीं मुकम्मल हो रहे। नहीं नहीं, मगर वो देखिए प्रॉब्लम है उनका, तो आपको तो हल करना चाहिए सर। क्या पता अगली बार कितना वोट होगा इनके साथ। देखिए, वोट किसी का भी हो, हर शख्स को अपना हक है राय देने का। हाँ। लेकिन ये पहली गवर्नमेंट है जिसने बिला तफरीक हर शख्स की खिदमत की है। वो एहसास प्रोग्राम हो, वो हेल्थ कार्ड हो, वो पंजाब इमदाद प्रोग्राम हो, वो आपका जवान पाकिस्तान प्रोग्राम हो, वो आपकी पनाहगाहें हो, वो आपके हेल्थ सेंटर हो, हर जगह किसी भी शख्स को। अभी आपने देखा कि वैक्सीनेशन के लिए घर घर टीमें जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है चौहान साहब, कि हमने अपने अपने मुल्क को, हमारे पड़ोस में देखे क्या हालात बने कोविड के दिनों में। अल्लाह की ब्लेसिंग है, और आप मीडिया के लोगों का भी इसमें बड़ा हाथ है, हमारे सिविल सोसाइटी का बड़ा हाथ है, और गवर्नमेंट ने भी पूरी कोशिश की इस मैकेनिज्म में। हम 20-22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, अल्लाह ने हमें बड़ा सेफ रखा उस वबा से कि हमने उसके कंट्रोल भी किया और हमने नॉर्मल जिंदगी की तरफ भी हम आगे बढ़े। माशाल्लाह, सब की खिदमत की थी। हम सारे कह रहे ने कि सामने आ जाना, असी भी खिदमत करनी है। सामने चले कोविड की जड़ी शाय मंगानी है, मंगाओ, देसी कड़ाई मंगानी है। नहीं नहीं, देसी मंगाओ। ये बताइए कि आखिर ये महंगाई वाला मसला कब तक चलेगा? जब तक आप इसकी आदी नहीं हो जाती उस वक्त। गरीब आवाम का क्या कसूर है? गरीब आवाम को गवर्नमेंट लुक आफ्टर कर रही है। तुसी जिहड़े जवाब दे रहे, तुसी किते पीटीए छड़ दे नहीं रहे? असीं जिहदा हाथ फड़ने ना जी, उहदे नाल रहने हैं। असीं हर दुख दर्द दे साथी हैं, असीं फसली बटेरे नहीं हैं। मैं कैसे ना जी, असीं फसली बटेरे नहीं रखने। असीं इमरान खान दे नाल कल भी सां, इंशाल्लाह अज भी हैं। जो शख्स खौफे खुदा रखता हो, जो शख्स कमिटमेंट वाला हो, और जिस शख्स ने स्ट्रगल की हो 20-22 साल, अल्लाह ताला उसकी मदद जरूर करेगा। हम पुरुमीद लोग हैं, असीं तुहाडी तरह मायूसी नहीं फैलानी। वैसे ही आपने इंटरेस्टिंग जुमला बोला कि जिसका हाथ पकड़ लें हम उसको छोड़ते नहीं हैं, इससे मुझे एकदम आमिर लियाकत साहब याद आ गए। सियासत में चीजें होती रहती हैं। चल, सदा बादशाही चॉइस अल्लाह ताला की है। अरूज और जवाल इस जिंदगी का हिस्सा है। अल्लाह ताला अरूज देकर भी आजमाता है, जवाल देकर भी आजमाता है। हमें देखना यह है कि जो शख्स आपको लीड कर रहा है उसका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट तो नहीं है। आपने कभी जाकर किसी शुगर मिल से चीनी लियो जी, इमरान खान ने शुगर मिल लगाई है, ऐसा नहीं है। आपको किसी ने कहा हो जी ये प्लाजा इमरान खान ने बनाया है, ऐसा नहीं है। आपको किसी ने ये भी नहीं कहा होगा ये पोल्ट्री का बिजनेस इमरान खान ने शुरू किया, ऐसा मतलब भी नहीं एक है। मिनट, चीनी से याद है वो क्या बना उस मामले का सारा, वो जो चीनी वाला इशू हुआ था? ये कुछ DGFI नहीं बैठा वो आपके सामने, स्पोक्सपर्सन है मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि बता तो दे। इमरान खान साहब ने अपने एक जलसे में कहा था कि जिस लीडर ने करप्शन करनी होती है तो वो महंगाई कर देता है, तो इस बारे में आप क्या करेंगे? ओए होए होए, क्या कहेंगे आप? नदीम साहब बताइए। आपको बताऊं या उनको बताऊं? उनको बताइए, उनकी तरफ देखते हैं। उनको बताऊंगा, समझना आपने भी। जी जी, मैं समझ जाऊंगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला, पनामा केस जी। आप उसमें अंदाजा कर लेंगे इमरान खान ने जिस शख्स के बारे में जो कहा, पाकिस्तान की अदालत ने भी यही कहा। आप उस केस की तरफ मत जाइए ना, आप मुझे इतना बताइए कि उनके मुताबिक उन्होंने बोला कि जिस लीडर ने करप्शन करनी होती है वो महंगाई करता है। यस, तो महंगाई के हवाले से, अब इतनी महंगाई है पाकिस्तान में, तो आप इस हवाले से मुझे कुछ जवाब। पाकिस्तान में जो महंगाई है, गरीब आवाम के लिए आखिर क्या मुझे बताएं, इतनी बिजली महंगी, हर चीज महंगी है, कुछ सस्ता नहीं है। बात तो ऐसे नहीं, ठीक है। देखिए, कार्ड अपनी जगह, एहसास कार्ड और ये सब प्रोग्राम्स अपनी जगह, मगर एक बेसिक लेवल पे महंगाई और जिस किस्म की है उसके लिए कोविड, मतलब ये पूरी दुनिया का मसला है। मैं आपको सीधी सी बात, मैं खुद मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं भी इस महंगाई का विक्टिम हूँ। शायद आप ना हो, आप सब लोग बिलियनर्स हैं। बात सुने, मैं स्पोक्सपर्सन, स्पोक्सपर्सन तो बड़े मजलूम होते हैं। 6 माह उनकी एक्सपायरी होती है, 6 माह के बाद स्पोक्सपर्सन स्पोक्सपर्सन को सिर्फ लोगों का गिला शिकवा और गुस्सा बर्दाश्त करना होता है, उसको माली बेनिफिट कोई नहीं होता। मैं महंगाई से मुतासर हूँ। मैं समझता हूँ ये महंगाई एक आर्जी स्पेल है। पाकिस्तानी कौम बड़ी बहादुर है, हमने पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस का मुकाबला किया है। ये चैलेंज भी हम इंशाल्लाह ताला इसका मुकाबला भी करेंगे और इस चैलेंज पे हम पूरा भी उतरेंगे। ये महंगाई खत्म होगी, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान पर अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, मायूसी की जरूरत नहीं है। ये मायूसी भी इसी थिंक टैंक ने फैलाई हुई है। अगर 75% महंगाई की वजह इंटरनेशनल हालात हैं
तो 25% ये प्रोपेगेशन है। लेकिन सर वो मस्ती खेल साहब आए थे इस्लाम वाला मस्ती करो, उन्होंने कहा था कि दिसंबर में खत्म हो जाएगी महंगाई, ये पक्की बात की, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। नदीम भाई सोच रहे हैं क्या कहेंगे मस्ती खेल। नहीं मुझे भी उस ऑफिस से उम्मीद है इंशाल्लाह दिसंबर में नए साल के आगाज से चीजें बेहतर होनी शुरू होंगी। अफजा आप मुझे उनसे पूछे कल्चर के बारे में क्या कर रहे हैं। नहीं आप इनको वहीं बिठा दें भाई। Hey, how you doing? Good, how are you? You know, I'm really very disheartened of my life. Oh my God. Mainu samajh nahi aandi sach bolna vi bande vaste azab hai. Acha. You know, utthe mohalle ch main ja reha. Haan. Utthe ek electronic repairing shop hai. Acha. Unne mainu keha tum rozana kahan jaate ho? Haan. Maine keha ji bas main mazoori ke liye jata hu. Haan. Kehne laga wo mera buddy jo hai mera wo usko dengue ho gaya hai. Haan. To tum mere sath as a helper kaam karoge? Theek hai. Maine keha this is good thing. Utthe main baitha thodi देर बाद एक क्लाइंट आया, उन्हें कहा मेरा DSLR खराब हो गया, ये चार्ज नहीं हो रहा। वो चला गया, उन्हें उन्हें डायरेक्ट 220 का करंट मारा, तो उन्हें जो पटाखा बोल गया, और खराब हो गया। थोड़ी देर बाद वो चले गए ने आप कितने खान पीन वास्ते, वो बंदा आ गया, उसने कहा क्या हुआ मेरे DSLR का ठीक हो गया मेरा कैमरा। मैंने कहा वो तो मेरे बॉस ने 220 पे लगाया था तो पटाखा पड़ गया है। वो फिर उठे पटाखे पे ने वो चपेरा और कसुने चले ने। अच्छा बस सारे मेरे थे चले ने, वो तो अपना कैमरा भी ला गया। उतो मेरे मालक आ गए, उन्हें कहा वो कैमरा नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा वो जो आया था बंदा लेने के लिए उसको मैंने बताया कि इसका पटाखा पड़ गया, वो तो ही पटाखे फिर शुरू हो गए। वो पटाखे मेनू पे ने वो बंदा चार बंदे ले आया। अच्छा। बड़े मोतबर जे बंदे, वो कहने मेरे 10,000 का नुकसान हुआ है पूरा करो। मालक ने उन्होंने 10,000 देते, मैंने कहना तुम दो। अच्छा। उसे मैं बड़ी मुश्किल जान चढ़ा गया, मैंने कहा मैं कहीं से फारसे चौधरी से बात करता हूँ। अच्छा। उसको उसके दिल में तो फारसे चौधरी को नाम मांगे थे भी पटाखे शुरू हो जाने। नहीं नहीं दिस इज गुड गाय, जेरा बंदा मास्क मैच करके लांदा है वो सेंसिबल हुंदा है। जी यस कुड यू प्लीज गिव मी 10,000 नहीं द्वार नहीं द्वार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕ੍ਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਨਦੀਮ ਕ੍ਰੈਸ਼ੀ। ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਓ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਗਾਇ। ਰੀਲੀ? ਯੈਸ ਆਈ ਨੋ ਹਿਮ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਨਦੀਮ ਕ੍ਰੈਸ਼ੀ। ਆ ਯੈਸ ਨਦੀਮ ਕ੍ਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਯੈਸ ਆਈ ਲਵ ਥਿਸ ਗਾਇ, ਮੇਰੇ ਫਾਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਬਲਕਿ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਉੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ। ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ دیਵਾਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਡਮ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਏ ਨੇ? ਮੈਡਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੀ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਗ ਮਾਡਲ। ਹਾਂ ਕੋ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇਮਰਾਨ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਦਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਨਦੀਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ। 10,000 ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 22,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਤੇ 10,000 ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? 22,000 ਦੀ ਜੁੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ? ਅੱਛਾ, ਛੁਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ, ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਨੈਬ ਚ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਬ ਲਵਾ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਬ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਢਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨੈਬ ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਵਾਉਣੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਲਾਟਸ ਆਫ ਪ੍ਰੇ ਫਾਰ ਯੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MPA ਬਣਨਾ ਹੈ, MNA ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ। वेलकम बैक टू मज़ाकरात। हफ्सा ये बताएं, फिल्म में भी काम किए? फिल्म में कर रही हूँ। ये कौन सी फिल्म है? फैसल मदी साहब है, उनकी मूवी है। अच्छा जी, पेंडिंग में, अभी उस पे काम कर रहे हैं हम लोग। ओके, और ये मैं देख रहा था आपने एक वो नागिन ड्रामे में भी किया है? जी नागिन भी हमारा उस पे। अरे वाह, और उसके अंदर आप क्या वो नागिन? मैं नागिन बनी हूं। आप नागिन बनी हुई हैं? तो लग भी रहे हैं तुम।
तो आपको तो सांपो के साथ भी करना पड़ा होगा काम। जी बिल्कुल। तो कोई आपको वो हिचकिचाहट नहीं हुई? नहीं बिल्कुल भी नहीं। सप्पा दे लागे बैठ के मेकअप किया कभी? आपने फिर क्वेश्चन आपके ऐसे हैं, फिर नून लीग की शेरनी आप लगी मुझे, तो क्या तो कभी सोचा कि अपनी जिंदगी का फैसला जो आइडियल वाला फैसला होता ना, कि आप आइडियल पूछना चाह रहे हैं, आइडियल आपका पाकिस्तानी कोई एक्टर बता दो। तुसी पाकिस्तानी सियासतदान दस दियो कोई। हां सियासतदान नवाज शरीफ कोई मैं सपोर्ट करती हूं तो नवाज शरीफ साहब जैसा होना चाहिए कोई। ठीक है ये आपने नवाज शरीफ साहब लुकिंग वाइज बताएं कि नेचर वाइज बताएं? नेचर वाइज। नेचर वाइज वैसे चाहिए। नेचर वाइज जी, वो एज अ लीडर मुझे पसंद है। अगर महंगाई खत्म हो गई तो आप पीटीआई को वोट दे देंगी? नहीं, फिर भी नहीं देना। फिर भी नहीं देना। अगर महंगाई सोचे एकदम खत्म हो जाए, बहुत नीचे आ जाए यूथ के लिए, उसके अलावा यूथ को लैपटॉप देना शुरू कर दें ये लोग, समझो फ्री जो है वो एकदम 100 पे आ जाए वापस। तो अगर नवाज शरीफ साहब वो सब कुछ कर सकते हैं तो इमरान खान ने क्यों आना है? नहीं मगर नवाज शरीफ साहब आप नहीं कर रहे ना, वो आएंगे दोबारा। अच्छा वो दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, नून लीग आएगी दोबारा, नून लीग आएगी दोबारा, करण अर्जुन वापस आएंगे। ओए होए होए, ये लगता है मुझे बहुत ज्यादा बिरयानी खाकर आई है। यार की मैच होया यार, कौन सा वाला इंडिया और पाकिस्तान का की मैच होया यार। ओए होए होए, ऐसे मजे आए ने। अच्छा भाई मैं कहना सब तो ज्यादा मजा ले मैं ले चुकिया हूं। क्यों? क्योंकि मैं बादशाह सलामत नाल बैठ के देखे है भाई, क्रिकेट की दुनिया के बादशाह दो ही होए ने, ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ? ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਲੰਡਨ। ਲੰਡਨ ਮੇ ਯੈਸ, ਵਾਹ ਦੇਖਾ ਮੈਂ ਮੈਚ। ਓਏ ਐਡੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰਦੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਓਏ ਹੋਏ ਭਾਈ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਵੱਡੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਓਏ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਓਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਬਲੇ ਵਜਾਈਏ। मैंने पढ़ना भी यही सी भाई, एडा मजा लिया ने ईमान से मैच ते असी कलैपा हुई ने भाई, रिजवान भाई ने ते बाबर आजम हो गई बिल्कुल, जिसने मैच जीते ने मियां साहब उठे ने उन्होंने एकदम फायरिंग की। मैं क्या सर ना करो पर्चा हो जाएगा लंदन में? जी सर। मैंने कहते ने पुत्र मेरे तो इन्ने पर्चे हुए ने हूं मैं समझ आ गई है, मुंह नाल फायरिंग करो घर ते पर्चा नहीं होंगे। यार की मजे आ रहे सर। अच्छा भाई जिसने गेंदा वजन चौके वजन छिके वजन ओ इन्होंने भेजन उन्होंने इमोजी। अच्छा। आखिर इन्ने वजे उन्होंने मोबाइल में फड़ा दिता। मैं ते बजाय भेजन दे ना मैं ते वीडियो कॉल ला के ते ऐन करके बैठा रहा। मोदी साहब को वीडियो कॉल कर दी? हां जी हां जी। मैं कह रहा हूं पक्का ही रखो इस काम को। अच्छा इन्हें मैं कह पता तो लगे भी फट्टे उ खेल दिए। आखिर मैच खत्म होया है, खाना खुल गया, मैं भी खुल के खादा। ठीक है मैं कह आज तो मेरे को देख ही नहीं रहा। यस उस बाद जाके तो मियां साहब रिलैक्स हुए ने। मैं कह सर कैसा एक क्रिकेट के लोग ने जिन्होंने पाकिस्तान तरक्की की रात गामजान किया। मैं कह सर कैसे कैसे रिकॉर्ड बनाए ने भाई, इमरान खान साहब भी बादशाह हुए क्रिकेट दे। हाँ। ते बाबर आजम भी बादशाह है। हाँ। मैनू कहंदे ने अच्छा इहदा नाम बाबर आजम है। हाँ। मैं कहा हां जी। हाँ। ते एकदम कुर्सी ते लम्मे पए ने ते आहिस्ता आहिस्ता कह रहे सन बाबर आजम वजीर आजम वजीर आजम। मैं कहा सर की कह रहे हो? कहंदे ने नवा कंप्यूटर ना कदी पैदा हो जावे। बाबर आजम वजीर आजम मैं ते फौरन निकलिया। मैं के मेरे तो नहीं मुंह चको ऐसी गल ना निकला। लेकिन सर मैच ओए होए 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 जहाज दे विच लोगों ने मैनू मुबारकां दित्तियां। अच्छा उन्हें क्या कमाल कर दी भाई,
दुनिया दे तू भी बड़ा चौकस है पर लेकिन सिर्फ बाबर आजम ने भी हिला के रख दिता। वाह वाह, ते तुहानू कैसा लगा मैच? बड़ा अच्छा लगा, मगर इस वक्त मैं एक्चुअली शो के दरमियान में हूं। फिल्म स्टार मोहम्मद नदीम साहब नहीं है सर, फिल्म स्टार नदीम साहब लोगों के दिलों च रहते हैं, फिल्म भी इन्होंने ते ये अपने इलाके के लोगों के दिलों च रहते हैं। अच्छा भाई, मैं फैन है इस शख्सियत का। अच्छा, ये शख्स नहीं है, ये शख्सियत ने। ओए होए, बट सर मोहल्ले के लोगों के इतना प्यार भाई, जदों जाओ उत्थे जदों जाओ उत्थे काम तो पता नहीं कद जांदे होणे। बल्कि लोकी दे लोकां नूं कहिंदे मैं नाराज़ हां तुहाडा, तुसीं मैनूं रोटी नहीं खवाई। नहीं नहीं, ऐसी गल नहीं हैगी, तुसीं कदे जा के इहनां दे इलाके च देखो भाई, बच्चे छोटे माड़े मसकीनां नूं कारोबार करा के दिंदे ने। होर की हुंदा है भाई, MN MP अपने इलाके का माई बाप हुंदा है, और इहनां ने बन के विखाया, और अगली बारी फिर बनणगे MP। पहली बारी लड़े ने मेरे नाल मैडम जी माशाल्लाह। नहीं सर, ऐसे पूरी तहफ़ुज़ का जिम्मा मेरे जिम्मे, क्योंकि जिन्ने लोग इस दौर जी रहे ने एडी मुश्किलात दे विच, तुहाडे वास्ते की मुश्किलात ने जी? थाणे दी मौजा ने, हर हुकूमत च मौजा ने। ओ सर जी, ओ नाके बंद हो गए ने, नाके दो बंद हो गए ने, चार खुलवा लेने तुसीं। ज़हीन बहुत है सर, मैं थाने गया ते चूहे नूं सोटियां मार रहा फड़ के, मैं कहा की कहिंदा मेरी वर्दी पाक निकल जांदा। चूहा मार दे इहनां दे गोडे ते सट लग गई, डाक्टर को पट्टी कराउण गए, डाक्टर कहा की होया, कहिंदे फिर पुलिस मुकाबले च वाधे घाटे ते हुंदे। वेलकम बैक टू मजाक राज, जीत 2020 का आगाज करते हैं। नदीम साहब, बताएं वो तीन नाम जिनको आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देखना चाहेंगे, जो इस वक्त नून लीग या पीपल्स पार्टी में हैं, पाकिस्तान में कहीं से भी आप चूज कर सकते हैं। कमर जमान कायरा एक, उज़्मा बुखारी दो, मरियम औरंगजेब मरियम, और तीन बड़ी अपनी पार्टी जिन्हां दे मुकाबले ते लेना चाहते जी? नहीं जी, इन्हां दे मुकाबले ते असीं नहीं आना, ये ते अपना मुकाबला आप ही करनगे, वो दो साढ़े को आ जाएंगे तो माहौल बड़ा बेहतर हो जाएगा। सर ये बताएं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं मियां तारिक अब्दुल्ला, ज़हीरुद्दीन खान और मोहम्मद सलीम अख्तर। तो सेल्फी किसके साथ है? ज़हीरुद्दीन। स्माइल किनको दे रहे हैं? सलीम अख्तर लाबर साहब को। और किसको कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया है? वो सबसे नफीस इंसान है तारिक अब्दुल्ला साहब, सबसे अजीम इंसान है, अगर मैं उनको कह भी दूंगा वो कहेंगे कोई बात नहीं यार, ठीक है ओके। ये देखे जरा अजीम और नफीस इंसान सा क्या होता है। सर ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास बिलावल भुट्टो और जनाब शहबाज शरीफ। मैं भी टाइटैनिक नहीं जाना जी, शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो नॉलेज पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल का नाम क्या है? मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है, सूबा सिंध के कितने अजला हैं? 27 अजला है जी। नहीं सर, बलोचिस्तान के गवर्नर का नाम बता दें। आप चाहेंगे उस पे टाइटैनिक वाले सवाल वापस जाना? आज आपने सही फंसाया है मुझे। चले मुझे ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात के वजीर का नाम क्या? वो किड़ा उसे टारजन ने। मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ यहाँ पे। आप पंजाब का पूछे तो मैं पंजाब का बताता हूँ आपको, सिप्तान खान साहब हमारे जंगलात के वजीर है। मैं पंजाब वालों पे नहीं है, मैं आपसे वहाँ KP आपकी गवर्नमेंट है, PTI की मैंने पूछा, आपने उसका नाम भी नहीं बताया। देख रहे, चार सवाल किए मैंने आपको। सर ये बताएं, चांद पर जा रहे हैं, दो सीटें हैं, एक शख्स को वहाँ छोड़ आना है, आप खुद वापस आ जाएंगे, किसको चांद पर छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर शहबाज गिल और जनाब शेख रशीद अहमद। नहीं, डॉक्टर शहबाज गिल मेरे दोस्त हैं, शेख रशीद साहब बुजुर्ग हैं, अगर वो चांद पर रहे तो अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, यहाँ दुनिया में भी अच्छी जिंदगी गुजारी है। शेख रशीद, डॉक्टर साहब आप बच गए, आप वापस आ गए हैं, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी किसी और को देनी है, किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस हैं आपके पास शाह महमूद कुरैशी साहब और जनाब उस्मान बुज़दार। आपने मतलब ठीक नहीं होना, एक साल हो गया आपके हर प्रोग्राम के बाद एक हफ्ता माहौल कशीदा रहता है। चले एक को तो मैं सिफारिश आपसे करवा लूंगा, वहां तो मुझे पता चल गया वो WikiLeaks हो गई है, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को दूंगा जी लाइफ। जी मैडम आपकी बारी। आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है हुमायूं सईद और अदनान सदीकी। हुमायूं सईद। ये बताएं, चांद पर जा रही हैं जी, किसी को आप वहां छोड़ेंगी, जो वापस नहीं आ पाएगा आप वापस आ जाएंगी, किसको चांद पर छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नवाज शरीफ और जनाब बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी किसी और को देनी है, किसको देंगे वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नदीम कुरैशी और जनाब उस्मान बुज़दार।
इन्हीं को ही दे दूंगी। बुजदार साहब से लाइफ जैकेट भी छीन ली आपने? नहीं नहीं, इनकी पहले आपने खुद दी थी और अब आपने उनकी भी छीन ली। ये अच्छी इंसान है, इनको मैं पीटीआई के लिए भी कन्विंस करूंगा, इंशाल्लाह ये मान जाएंगे। इनको तो पीटीआई के लिए कन्विंस करेंगे, आप जो अभी वहां जाके कन्विंस करना पड़ेगा ना आपको, वो बताइएगा। मगर नदीम कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।